रास्ता इतना खराब उसमें शोर भी नहीं जाएगा बल्कि हम लोग आदमी जा रहे पचास लाख देगा और अपना स्टेचू बनाएगा अपना से इनोग्रेशन करेगा पब्लिक का गुस्सा है कि इस स्टेचू को इमीडिएट हटाना है सीएम साहब से सीधा मैं पूछना चाहता हूं सर हर कोई अरुणाचल में अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन में अपना अपना मूर्ति बनाने लगेगा तो कैसा होगा नहीं चलेगा।, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अमासा, नहीं चलेगा, अमासा, नहीं चलेगा। ये जनता का विरोध है। और आप सभी को बता दूं इस वक्त मैं गेंसी में हूं गेंसी जो है लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है और जिस जगह पे मैं करा हूं ये करदो निगोर एम एल के अंतर्गत आता है लेकिन ये पब्लिक जो है यहाँ डिमांड ये कर रहा है कि मेरे पीछे अगर आप देखेंगे एक जो है मेमोरियल गेट है अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ ये जमदे केना मेमोरियल गेट है अलबेहातो गेंसी यानी ये जमदे केना आप सभी को पता है अरुणाचल प्रदेश में जो है पूर्व मंत्री के तौर पर रह चुके हैं और यहां से जो है विधायक होता है और अभी इनका विरोध यह है कि गेट में जो है ऑनरेबल एम का जो है पोटो को लगाना यानी उनके पिक्चर को यहां पर जो है डालना इनको विरोध जताते हुए गेंसी के पब्लिक यह बता रहा है कि निगुर ने जो काम किया है वो गलत काम किया है ये जो गेट जो मेमोरियल नाम दिया गया है ये जमदे केना का लेकिन यहाँ पर एक फोटो अगर आप देखेंगे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ से हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर विरोध किस लिए जता रहा है मैं ये जुमदे केना मेमोरियल गेट है एनोग्रेटेड बाय श्री कार्दो निग्योर ऑनरेबल एम एल ए ट्वेंटी एट लिखावली असेंबली कॉन्स्टिटुंसी ऑन इलेवेंथ नवम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इन प्रेजेंट सब आप देख सकते हैं हालांकि यहाँ पर जो है गेट तो बना दिया ये बहुत अच्छी बात है लेकिन इनका विरोध ये है कि ये जो एम एल ए बोल करके के सरकार में एक काम होता है और आप सभी को पता है लेद जो है ना एम को दिया जाता है ये इसीलिए दी जाती है ताकि उस लेत को जो है वो जो है जनता के भलाई के लिए खर्च कर सके यानी कुछ भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में गलत होता है तो वो तुरंत उस पैसा से निकल करके अपने जनता को सेवा दी जा सकती है यहाँ विरोध ये है कि जो एम एल है अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैंसन है ये जो ये आप देख रहा है ये जो है कारा वेलफेयर सोसाइटी ने बनाया है और इनका ये मानना है कि इनको कोई सोसाइटी से कोई लेन देन नहीं है कोई भी सोसाइटी अगर अच्छा काम करता है तो ये सब के लिए भलाई जरूर होता है लेकिन यहाँ पर आपत्ति इसीलिए है कि ये जो बनाया है अंदर एम एल ए लेद पन स्िमेट रुपीज फिफ्टी लेक्स तो अभी यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि ये जब एम एल ए का जो स्टोन जो भी लगाया गया या फिर जो ये जमदे केना का जो मेमोरियल गेट है ना ये बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया और शायद में अगर आप देखेंगे जो फोरमर जो है मिनिस्टर है उन जमदे केना जी का पोर्ट ये आप देख सकते हैं जो स्टैचू है उसको देख सकते हैं पोर्टो को बहुत खूबसूरत तरीके से लगाया गया और दूसरी तरफ जिसको ये जो है आपत्ति जता रहा है ये अभी का जो है मौजूदा समय में जो है ये ट्वेंटी एट लिखावली एस टी असेंबली कॉन्स्टिटेंसी का जो है एम एल ए है तो इसको विरोध इसीलिए जता रहा है कि जब आपने यहाँ पर जमदे केना मेमोरियल गेट का नाम दिया हुआ है तो दोनों साइड में जमदे केना का जो है स्टेचू या फिर पोटोस लगनी चाहिए तो एम एल ए साहब का पोतो यहाँ पर क्यों अब उनका सवाल ये है कि क्या ये जुमदे केना के बराबरी दिखाना चाहते हैं या फिर खुद को तानाशाही प्रेजेंट करना चाहता है क्या ये सवाल है तो यहाँ के गेंसी के पब्लिक का ये कहना है कि जब आपने जुमदे केना मेमोरियल गेट बनाया है तो अपना फोटो को क्यों डाला ये सवाल है और सवाल ये भी है सरकार से कि क्या ऐसे कौन सा मजबूरी रहा होगा ऐसा कौन सा क्या नियम है क्या कोई भी एम जो है अपना लेट पान को इस प्रकार इस्तेमाल करके जो है गेट बनाया जाता है जिसमें अपना तस् को लगाया जाता है और आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं आज से आठ नौ साल पहले एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था जो कि आ, उत्तर प्रदेश में जो है बीएसपी जो पार्टी सुप्रीमो को लेकर के आपने देखा होगा जिसमें अपना जो पार्टी का चिन्ह यानी हाथी को लगाता है उसके बाद अपना पोर्टोस को जो है स्टेचू बनाकर जो है जनता के पैसा को खर्च किया जाता है जब सुप्रीम कोर्ट में यह केस जाता है तो उसमें यह खबर मिलता है कि उस पुतला को यानी उस स्टैचू को जो है ढकने का काम किया गया था यानी मायावती का जो है स्टेचू स्टैचू और जो हाथी का जो है सिंबल था उनको सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि उनको बंद करना चाहिए और जितना भी उसमें पब्लिक का पैसा खर्च किया गया था उसको जो है वापस लिया जाना चाहिए मतलब जितना खर्च किया गया था उस पैसा को पब्लिक के यूटिलिटी के लिए वापस दिया जाना चाहिए तो अब सवाल ये है कि अरुणाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि कोई विधायक जो है अपना एम एल ए पान को लेकर के इस प्रकार का एक बड़ा स्टैचू बनाता है और गेट में जो है अपना फोटो को चिपकाता है क्या ये पब्लिसिटी स्थान है यहाँ पर पॉलिटिकली स्तन है ये समझना होगा और गेंदी के जो जनता है ना पब्लिक है इसको विरोध जता रहा है पब्लिक का पैसा को जो है अब अप अपना स्टैचू बनाने के लिए अपना फोटोज को लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो इसका एक्शन कैसे होगा सरकार को क्या देखना नहीं चाहिए कि क्या आपका जो एम एल ए आप जहाँ दिया जाता है क्या वो सही खर्च हो रहा है क्या ये सरकार पर भी सवाल उठता है सड़क ठीक नहीं है लेकिन एम साहब जो है यहाँ पर अपना मूर्ति बनाने में बिजी है यानी पूरा पचास लाख को जो है यहाँ लगा देते है। इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए ये, ये सवाल है जिसको लेकर के गेंसी के जनता यह चाह रहे हैं कि यहां से जो है एमएलए साहब का स्टेचू हटना चाहिए और यहां पर जो है केना का लगना चाहिए क्योंकि केना जो इसलिए लोग याद करते हैं यहां से होता है और मंत्री के पद पर रह चुके हैं और उनको याद किया जाना बहुत जरूरी है लेकिन जोमदे केना का जब मेमोरियल गेट है तो यहां पर एमएलए साहब का फोटो नहीं हो सकता यह गेंसी लोगों का कहना है लेकिन जो विरोध जता रहा है उनसे भी जानना जरूरी है कि उन्होंने किस चीज को लेकर के यहाँ पर विरोध जताया और क्या चाहते हैं उनसे हम लोग सीधा जानते हैं आ, सर सबसे पहले आपका नाम मिग्रे तयपुरिया जी, जी आप लोग ये एग्जैक्टली ये मेमोरियल गेट को जो लेकर के आप लोग क्यों विरोध जता रहा है क्योंकि सर ये जमदर केना का मेमोरियल गेट है यहाँ कारदौ जिंग्योर का जो एमएलए है प्रेजेंट एमएलए, है उसका फ़ोटो क्या के लिए लगाया हमें नहीं समझ में आ रहा है ये कारदो साहब अपना आपको ये जमदर केना साहब एक्स मंत्री का जगह पे क्यों अपना इमेज को बना के स्टैचू को दिखा के बना के पचास वो भी अपना से एम एल लाख देगा और अपना स्टैचू बनाएगा अपना सा इनोग्रेशन करेगा और ये सीएम साहब से सीधा मैं पूछना चाहता हूं सर हर कोई अरुणाचल में अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन में अपना अपना मूर्ति बनाने लगेगा तो कैसा होगा हम लोग का गेंसी सड़क इतना सरा हुआ है हम हमारा गेंसी में नेटवर्क नहीं है यहाँ इतना कुछ कुछ इतना डेवलपमेंट बाकी है कि आप अपना स्टैचू बनाने में पड़ा हुआ है और सर चीफ मिनिस्टर सर को बोलना चाहता हूँ सर हमारा यहाँ बहुत चीफ मिनिस्टर आए थे केना सर का समय में और कार्दो पोदिया का समय में लेकिन इस कार्दो का समय में एमएलए का समय में ना आपको बुलाने का शक्ति वो रखते हैं ना आपको गेंसी दिखाने का शक्ति रखते हैं क्योंकि यहाँ आपका पैसा अब देता है लेकिन गेंसी में काम नहीं होता है सिर्फ अपना स्टैचू बनाने में रखा हुआ है हम लोग कितना यहाँ अभी तक गेंसी में एजुकेशन सेक्टर पोर है अभी दूसरा जगह में पाइप जी चल रहा है दूसरा जगह में हाईवे चल रहा है अभी तो गेंदी बिछरा हुआ है दूसरा जगह से कट ऑफ है लेकिन हम और लास्टली पूछना चाहता है और साहब ने हमारा ऑनरेबल एक्स मंत्री का गेद में वो लिए अपना गेद बनाया हम हमारा हमेशा प्यारा था एक जमना केना हमारा प्यारा है प्यारा रहेगा और जमुना केना का जो मूर्ति है वो इसमें भी डालना चाहिए कार्जो का हता के जमदा खेना का मूर्ति को यहाँ भी डालना चाहिए क्योंकि वो हमारा हीरो है हीरो रहेगा जमदर खेना साहब और सर मैं लास्टली एक बार और बोलना चाहता हूँ ये हमारा मुद्दा है कोई केना साहब का फैमिली को दिल दुखाने के लिए हम लोग नहीं बोले हैं और ये मुद्दा है हमारा कारा वेलफेयर सोसाइटी को या केना मैदम को हम नहीं बोल रहे हैं ये सीधा कार्जोन जी जी और कोई सवाल पूछ रहे हैं सीएम साहब को बस थैंक यू ये कोई भी ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि क्यों अभी राजनीति का समय है पॉलिटिक्स का समय है क्या आप लोग जो है क्या ऑपोजिशन पार्टी से है या फिर कुछ पॉलिटिक्स का इसमें एंगल है क्या क्योंकि उसको लेकर के आप लोग कर रहे हैं या फिर क्या है न सर हम लोग का ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है सर ये हम लोग का ये मास का मुद्दा है हमारा यहाँ का समाज का मुद्दा है हम लोग इतना तकलीफ मिल के यहाँ रह रहा है तो उसका बावजूद वो एक अपना मूर्ति बनाने में तुला हुआ है हम का मुद्दा ये है अपना पचास लाख अपना एम से देगा वो कुछ चीफ गेस्ट बन के अपना मूर्ति को इनोग्रेशन करेगा ये चीज़ है हमारा मुद्दा यहाँ स्कूल का कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है हेल्थ का कैसे है रोड का कैसे है इस्कूल सर मैक्सिमम स्कूल दिफान हो चुका है और रोड तो सर अब आते ही देखे हैं रोड तो नाइनटीन हंड्रेड सिक्सटीज़ का रोड है सर्कल है एक हमारा केना साहब का समय में वो सर्कल हेडक्वाटर शिबे को दिया था शिबे को भी अभी फंक्शन करके करने नहीं सक रहा है लिखावली में हम लोग को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वाटर दिए हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वाटर को भी दिफान करके रखा है अभी तक फंक्शन नहीं कर सका है कॉलेज दिया है कॉलेज को भी फंक्शन नहीं कर सका है लेकिन वो इतना इंटरेस्ट है अपना आपको भगवान का रूप में वो दिखाना चाहता है इतना इंटरेस्ट है मूर्ति बनाने में डेवलपमेंट करने में शायद उसका इंटरेस्ट नहीं है सर आपका क्या नाम है मेरा नाम करमर्गे गो हम कंकुर सर्कुल का है कंकुर का, का अलग सर्कल का।, का है आप? अलग सर्कुल का आके इधर मतलब ये स्टेचू ना जी जी। हम लोग का पब्लिक का मनी से बनाया है रुपया से बनाया है क्योंकि वो पब्लिक मनी भी हम लोग का टैक्स का मनी है हम लोग का टैक्स का मनी को कलेक्शन करके एम एल लेट पांडे मिला है उस लेट पांडे को वो अपना स्टैचू को किस लिए बनाए आप देख देख ही रहा है गारू से लेके कर शिविर तक रास्ता इतना खराब उसमें ये, ये क्या शोर भी नहीं जाएगा नहीं। बल, बल्कि हम लोग आदमी जा रहा है शोर भी जाने का लायक नहीं है ये रास्ता इतना खराब है इसीलिए वो अपना स्टैचू बना के बनाने में तुला हुआ है रास्ता नहीं रास्ता बना रास्ता नहीं बना के इस मेडिकल में डॉक्टर नहीं है स्कूल में टीचर नहीं है उसको देखने के लिए उसको पब्लिक ने इलेक्टेड किया है एम बनाया है लेकिन उसको नहीं देखकर अपना स्टैचू बनाने में लगा हुआ है इसीलिए हम लोग का पब्लिक का गुस्सा है कि इस स्टैचू को इमीडिएट हटाना है जमदे कैना का मेमोरियल गेट में जमदे दोनों तरफ में जमदे कैना का स्टैचू होना चाहिए यही मेरा कहना है यहाँ पर एक बात समझना होगा जैसे उन्होंने कहा है यहाँ पर कारा सोसाइटी है उनको चोट पहुँचाना नहीं है या फिर जमदे केना का जो धर्म पत्नी है उसको चोट पहुँचाने का मकसद नहीं है मकसद केवल इतना है कि एम को सवाल और सरकार को सवाल ये है कि क्या आपने इस प्रकार का, का काम करने के लिए उनको आदेश दिया था क्या या फिर एम साहब क्या आपने जो है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को काम नहीं करके रोड को नहीं करके जैसे कि उन्होंने कहा है हर जगह में अभी फाइव जी चल रहा है और यहाँ पर जो एक भी बी ना बी का नेटवर्क है ना एयरटेल का है ना जियो का है ना कुछ भी है क्योंकि मैं खुद अभी यहां पर मौजूद हूं पर, अभी आप के ना, पर जो पुलिस प्रशासन जो ड्यूटी में काम करते हैं या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो टीचर है या फिर हेल्थ में जो डॉक्टर है या फिर जो सर्कल ऑफिसर है जब इमरजेंसी केसेस होगा या फिर कोई ज़्यादा बड़ा घटना हो गया तो ऐसे में यहाँ के सी या फिर पुलिस जो है कहां कॉन्टेक्ट करेंगे और यहां पर कोई इमरजेंसी कुछ मेडिकल पेशेंट का केसेस होगा तो यहाँ से किस प्रकार से दूसरे जो जगह है उसको उसको कनेक्ट करेगा तो ये तो सवाल है ना और रोड कंडीशन तो बहुत ख़राब है और आज के समय में ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में मोबाइल नेटवर्क नहीं होना ये आप समझ सकते हैं हमने शुरू में कहा है कि ये हाईवे से महज अगर रोड सही होता तो दस पंद्रह मिनट का ही रास्ता है तो दस पंद्रह मिनट का रास्ता में अभी तक गेंसी जो कि पूरा पिछड़ा हुआ है और हम ये समझ सकते हैं कि ये पीछे पचास साल की ओर पीछे और धकेल रहा है तो यहाँ का विधायक को तो सवाल तो बनता है कि आप विधायक इसीलिए बनता है ताकि जनता की आवाज़ को सुन सके जनता को जो है विकास के राह पर ले जा सके यहाँ आप अंदाजा लगा के देखिए यहाँ से सीवे सर्कल जो और आगे है इसका मतलब रोड कंडीशन कैसे होगा आप अंदाजा लगा के देखिए हालांकि जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर यह एक मार्केट एरिया होता है तो ये कई कई जगह में रोड जरूर ठीक है लेकिन इससे आप गलत पेमी नहीं होना है कि गेंसी जो है ठीक होगा यहाँ से जब आप गारू की ओर जाएंगे ना आपका हालत जो है खराब हो जाएगा क्योंकि मैं खुद अभी वहां से आया हूं और मैं यह भी दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि जब गारू से आप गेंसी की ओर आते हैं ना रोड कंडीशन कैसा है तो ये सवाल है तो जनता अभी सवाल यह उठा रहा है कि हमारा जो विधायक है जो ट्वेंटी एट लिकावली एस टी असेंबली का विधायक जो है क्या कर रहा है क्या वो सो रहा है या फिर अपना स्टेचू बनाने में विजी है या फिर खुद को जुमदे केना के बराबरी दिखाना चाहते हैं सवाल ये है या फिर आप जो है एम एल ए को इस प्रकार का जो है मिस कर रहे हैं ये सवाल है यहाँ के जनता का सवाल है यहाँ का यूथ्स का सवाल है और यहाँ पर जितने लोग रहता है उनका सवाल है क्योंकि अभी इलेक्शन का भी मौसम है तो ऐसे में सवाल उठाना भी जायज़ है कि आपने पाँच साल में क्या काम किया या फिर पाँच साल से पहले आपने क्या काम किया तो इस चीज़ को जानना जरूरी है हालांकि आपको बता दो लिखावली में जो है चार सर्कल है एक लिखावली दूसरा जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ गेंसी है और आज जो है यहाँ से सीबे आगे जाता है और एक जो है कांकू लिखावली के उस साइड में है और जो असम के बॉर्डर पड़ता है यहाँ और जब सीबे की बात करेंगे ना यहाँ मिलाकर जो है अप्रोक्सीमेटली मान के चले कि तीन हज़ार का वो तर्स है और ऐसे ही लिखावली में जो है अप्रोक्सीमेटली छः होगा और कांकू में जो है तीन हजार होगा अप्रोक्सिमेटली तो इन चीजों को यानी सीबे और जो है गेंसी के तीन हजार लोगों को तो आप अनदेखा तो नहीं कर सकते ना तीन हजार संख्या बहुत होता है तो उनको भी तो हर सरकार का जो है योजना तो उनको मिलना चाहिए तो जब नहीं मिलता है तो इस प्रकार का लोग जो है सड़क पर उतरता है उसके बाद अपने विधायक के खिलाफ जो है नारेबाजी करता है और ये नारेबाजी करने का नौबत क्यों आए ये विधायक को जानना पड़ेगा कि, कि किस कारण से किस वजह से जो है आज लोग सड़क पर उतर के जो है अपने ही विधायक के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहा है कारण इतना है कि गेंसी जो है पिछले कई सालों से डेवलप नहीं हो पा रहा है और आज के समय में यहाँ के लोग जो है अपने लोगों को टेलीफोन पर बात नहीं कर पा रहा है गाड़ी भी खरीदता है छोटी गाड़ी जब खरीदता है ना इसी रोड के वजह से खराब हो जाता है और मेडिकल पेशेंट जो भी जाता है इसी तकलीफ से गुजरना पड़ता है जिसको लेकर के आज आवाज़ उठा रहा है इसको सरकार को भी जानना होगा और यहाँ के लोकल जो विधायक है और जो पंचायत लीडर है उनको भी जानना होगा कि क्या बजा रहा होगा कि गेंसी आज तक पिछड़ा हुआ है लेकिन मुद्दा यही था कि ये जो पीछे आप जो गेट देख रहे हैं जो कि के केना मेमोरियल जो गेट है ना इसको जब बनाया गया था तो यहाँ पर जो है केवल और केवल जुमदे केना का फोटो होना चाहिए या फिर स्टैचू होना चाहिए लेकिन यहाँ कार्दो का फोटो या फिर स्टैचू क्यों लगाया गया क्योंकि ये आप दे, देख देख ही रहे हैं कि जोमदे केना मेमोरियल गेट तो जोमदे केना मेमोरियल गेट में तो केवल जोमदे केना ही तो होना चाहिए तो यहाँ पर कार्दोन योर कैसे आ गया और एम एल से पचास लाख रुपया खर्च करना और खर्च करने के बाद भी किसी सोसाइटी को काम करने देता है वो अच्छी बात है लेकिन करवाता भी है तो खुद का फोटो है खुद का स्टेच्यू है और खुद ही उसको इनोग्रेशन करता है यानी ये मान के चले कि मैंने खुद प्रोग्राम बनाया और उसी प्रोग्राम चीफ गेस्ट मैं खुद हूं तो ऐसा हो सकता है क्या क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है क्या ये अरुणाचल के इतिहास में पहली बार होगा जहां पर जो है कोई विधायक जो है एम एल ए को खर्च करता है और उसको जो है गलत जगह में खर्च करता है और उसी खर्च करने के जगह में कुछ जो है चिपगेस बन करके जाता है यानी एनोग्रेशन करता है ये समझने वाली बात है शुरू में हमने कहा कि यूपी में एक केस है जो सुप्रीम कोर्ट में है जो कि बीएसपी के सुप्रीमो को इस प्रकार का केस दिया गया था जिसमें जनता के पैसा को जो है गलत इस्तेमाल करने के वजह से सुप्रीम कोर्ट में बर्डी ये ताकि उनको पैसा को वापस देना पड़ा और उनके जो पार्टी के जो चिन्ह है हाथी का जो चिन्ह है उसको दकना पड़ा और मायावती जी के स्टैचू को भी दकना पड़ा था क्या ये नौबत यहां अरुणाचल प्रदेश में ऐसा पहली बार ऐसे कैसे हुआ कि कोई विधायक जो है अपने आप को प्रमोट करने के लिए इस प्रकार का गेट बनाता है और इनका दिमाग यही है कि यह गेट में केवल और केवल जुमदे केना का ही होना चाहिए, पर का नहीं होना चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी क्या एम साहब जो है आकर के अपना स्टेचू को हटाता है क्या क्या एमएलए साहब जो है इस बात को जवाब देने के लिए तैयार है क्या वो किस कारण से जो है अपना ही एम एल ए से पचास लाख रुपया इस प्रकार का खर्च किया क्या वो जवाब देने के लिए तैयार है और हम भी कोशिश करेंगे कि जब भी विधायक महोदय को मिलेगा मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगा सवाल करूंगा कि किस संविधान में ये लिखा हुआ है कि आप जो है एम एल ए लेफ को जो है अपना ही स्टैचू बनाने के लिए इस्तेमाल करता है और उसी जगह में खुद जा के उसी कार्यक्रम को उसी स्टैचू को उद्घाटन करता है मैं ये सवाल जरूर करूंगा दर्शकों आपको इस प्रकार का खबर पहुंचाते रहेंगे आप बने रहिए अरुण भूमि तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए नमस्कार